हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार पुनः आप सभी के समक्ष एक बार उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं समय समय पर परोक्षोपयोगी सामग्रियों के साथ उपस्थित होता रहूँगा, तो मैं फिर से एक बार आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारत से संबंधित परोक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ। और इस टॉपिक का नाम है नेहरू रिपोर्ट तथा लाहौर कांग्रेस। भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में एक से एक यूनिक घटनाएं घटी, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में काफ़ी पूछे जाने वाली घटना है, नेहरू रिपोर्ट तथा लाहौर कांग्रेस, और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब नेहरू रिपोर्ट के पृष्ठभूमि को देखें तो 1928 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा एक चैलेंज किया गया इंडियंस को, और चैलेंज की पृष्ठभूमि यह थी कि इंडियंस शुरू से ही ये डिमांड करते आ रहे थे कि भारत के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा, भारत के लोग किसी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका निर्माण किसी दूसरे ने किया है। और लगातार इस बात की मांग भारतीयों द्वारा, राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किया जा रहा था। इसी के विरोध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक चैलेंज कर दिया 1928 में कि हम चैलेंज करते हैं कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण खुद कर लें और उस पर एकमत रह जाए। क्योंकि क्या है कि ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे ना, ये बहुत ही ब्रिटिश हुआ करते थे और भारतीयों के रग रग जानते थे, तब ना 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखे थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चैलेंज कर दिया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण खुद कर रहे और उस पर एक मत भी रहे। तो भाई ये बड़ा चैलेंज था, भारत के लिए राष्ट्रीय अस्मिता की बात थी। तो इसके परिणाम स्वरूप इस चैलेंज का जवाब देने के लिए फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। और इस सर्वदलीय सम्मेलन के बाद 19 मई 1928 को मुंबई में सम्मेलन हुआ, और इसमें भारतीय संविधान की भावी रूपरेखा तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, या पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, और इनको कहा गया कि आप भारत के लिए भावी संविधान का निर्माण करें और चैलेंज का बढ़िया से जवाब दें। भाई विद्वानों का दल था, विद्वता में तो कभी भारतीयों में कभी रही नहीं है, और इन्होंने बहुत ही सहजता से भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार कर दी इस कमेटी ने। और इस कमेटी द्वारा अगस्त 1928 को भारतीय संविधान की जो भावी रूपरेखा को प्रस्तुत कर दिया गया, इसी को भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा किए गए चैलेंज का जवाब देने के लिए भारत के भावी संविधान की रूपरेखा को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार करके जो प्रस्तुत किया गया, इसी को इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य मांगे थी उस पर जरा ध्यान दें। जैसे इसमें भारत के लिए अधिराज्य की मांग करनी गई थी और कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट उस राज्य को कहते हैं जिसके पास सभी अधिकार होते हैं लेकिन संप्रभुता, सोवरेनिटी नहीं होती है। तो मोतीलाल नेहरू ने अपने रिपोर्ट में, अर्थात नेहरू रिपोर्ट में, भारत के लिए अधिराज्य की मांग कर दी गई थी। इसके बाद कहा गया कि विदेशी मामला तथा सुरक्षा मामला अंग्रेजों के हाथ में रहेगा और बाकी के सभी मामले पर निर्णय का अधिकार भारतीयों के हाथ में होगा, अर्थात केवल फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस का मामला ब्रिटिशर्स डील करेंगे और बाकी सभी मामला भारतीय स्वयं डील करेंगे। इसके बाद एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मांग की गई थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना किया जाए, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनता के कल्याण के लिए तत्पर हो। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी बच्चा लोग, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को समाप्त करना। आप पढ़ते हैं कि
9 ईस्वी में जो अधिनियम भारत में पारित हुआ था इसको पाकिस्तान का निर्माण करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति को बड़ी प्रमुखता से इस अधिनियम के माध्यम से व्यवहार रूप देने का प्रयास किया। अर्थात यह कि यहाँ पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी और साफ हिंदू और मुसलमान को निर्वाचन के आधार पर फुटाने का प्रयास किया गया। 1909 के अधिनियम में जब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, इससे भारतीय राष्ट्रवादी काफी आहत हो गए और एक बड़ी दरार बन गई हिंदू और मुसलमानों के बीच, एक तनाव हो गया हिंदू और मुसलमानों के बीच, और भारतीय राष्ट्रवादी नेता इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इसमें मांग की गई कि मुस्लिमों के जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई इसको समाप्त किया जाए, और इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में पंजाब बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुस्लिमों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, और इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में पंजाब बंगाल तथा पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत जो मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र है उनके लिए कुछ विशेष सीट का आरक्षण कर दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चैलेंज के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य मांगे थी भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, विदेशी तथा सुरक्षा मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर भारतीयों का नियंत्रण हो, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और मुस्लिमों के लिए पंजाब बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सीटों का आरक्षण किया जाए। हम देखिए अनडाउटेबली ब्रिटिश भारतीयों के दुख की रंग को जानते थे, वो जानते थे कि भारतीयों में ज्ञान की कमी नहीं है, सद्भावना की कमी नहीं है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी कमी एकता की रही है, और भारतीय कभी एकमत हुए ही नहीं है, यूनाइट हुए ही नहीं है, और आज से नहीं, यह प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही दिखाई देती है। हम पढ़ते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर, तो वहाँ के एक राजा पोरस ने पश्चिमोत्तर भारत के बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को यूनाइट करके सिकंदर का मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन कोई यूनिटी नहीं हुई। तो इंडियंस में यूनिटी का सर्वथा अभाव है, इसीलिए चैलेंज में दो बातें कही गई थी प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण खुद कर ले और उस पर एक मत भी रह जाए, और अंग्रेज जानते थे कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर लेंगे क्योंकि इंडियंस में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक मत नहीं रहेंगे, और ऐसा हुआ। और इसी का उदाहरण है लाहौर कांग्रेस, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप लाहौर कांग्रेस में बड़ी ऐतिहासिक घटना, जब नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए अधिराज्य की मांग कर दी गई, तो ये बात वामपंथियों को खल गई, और इस काल में वामपंथ के कट्टर समर्थक जिनको युवा तुर्क कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, ये सब वामपंथ के कट्टर समर्थक थे, और इनको नेहरू रिपोर्ट से असहमति हो गई। तो पिता ने, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और उसका सबसे प्रबल विरोध उनके सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही नेहरू रिपोर्ट के विरोध के लिए लाहौर कांग्रेस में, जो दिसंबर 1929 में लाहौर, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में यहीं पर, क्योंकि इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जैसे वामपंथी नेताओं के प्रभाव स्वरूप नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करके यह कहा गया कि आज के बाद भारत के आजादी की लड़ाई का उद्देश्य अधिराज्य की प्राप्ति नहीं होगी, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में मांगा गया था, मांग की गई थी। आज के बाद भारत के आजादी की लड़ाई का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी,
और इसी अधिवेशन में 21 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा लहराया गया और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद प्रति 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूरे देश में। और चूंकि लाहौर कांग्रेस में ही यह डिसीजन लिया गया था कि आज के बाद आज़ादी की लड़ाई का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी और इसी के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अधिकृत कर दिया गया और इसी के प्रभाव स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ जो भारत का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था। इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविक डिसओबीडियंस मूवमेंट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था, तो आंसर आता है लाहौर कांग्रेस द्वारा दिए गए निर्णय का। तो ये नेहरू रिपोर्ट और इसके विरोध में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का पाठ किया जाना बड़ी ऐतिहासिक घटना थी और काफ़ी प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये कंटेंट जो है ये आपके लिए जरूरी होता है क्योंकि लेक्चर के साथ अगर कंटेंट मिल जाए पॉइंट में तो आप उस पर बहुत अच्छा से लॉन्ग भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव तो बना ही सकते हैं। तो आज से मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको लिंक उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर ये कंटेंट आपको सहज उपलब्ध होगा। और फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।